है। प्रदेश के प्रभावशाली लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कूट रचना हिस्सा बन गया है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देश अनुसार FRK को सादे चावल में 1% मिलाकर कुपोषण मुक्ति की पूर्ति की जाती थी, लेकिन अभी चुनावी समय में टेंडर निकालकर करोड़ों रुपए की गड़बड़ी की गई है। तो नाफेड कंपनी ने उद्योगपतियों के अधिकारी को गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदेश के प्रभावशाली लोगों को लाभ पहुंचाने के ये आरोप लगाए गए, तो चुनावी समय में टेंडर निकालकर ये एक अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाया गया है। जो कि भारत सरकार की एक बड़ी सहकारी फेडरेशन है, कंपनी है, उसके द्वारा छत्तीसगढ़ में एक संदिग्ध टेंडर 510 करोड़ के FRK चावल की खरीदी की जारी किया गया है। उक्त टेंडर में कुछ ऐसी कंडीशंस लागू की गई हैं जो कि इसके पहले किसी भी FRK निर्माताओं से चर्चा में बातों में नहीं लाया गया। टेंडर की सामान्य प्रक्रियाओं का भी उसमें पालन नहीं किया गया है। टेंडर के लिए बहुत कम समय भी रखा गया है। हमारे आपत्तियों को दर्ज कराने और उसके निराकरण के लिए भी कोई समय